ये पापड़ जैसा कुछ है, मैक्सिकन चीज़ है, इसका नाम है। ज़िंदगी में पहली बार मैं अमेरिका की ट्रेन में सफ़र करने वाला हूँ। इस ट्रेन का जो नेटवर्क है इसको यहाँ पर बोलते हैं एमट्रैक, जैसे हमारे है इंडियन रेलवेज। मैं हूँ इस वक्त ह्यूस्टन में, पीछे मेरे सारा डाउनटाउन है। डाउनटाउन यानी जैसे दिल्ली का कनॉट प्लेस, तो पीछे सारी वो इमारतें हैं जो बड़ी बड़ी हैं। और खड़ा हूँ मैं ह्यूस्टन के ट्रेन स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर। वो सामने ही है रेलवे ट्रैक, छोटा सा स्टेशन लग रहा है देखने में तो ये। और यहाँ से मेरी ट्रेन जाएगी टूसॉन के लिए एरिज़ोना। एमट्रैक में सफ़र कैसा होता है, टिकट कितने की आती है और कंफर्टेबल है या नहीं। ओवरनाइट जर्नी है 24 घंटे का, 24 घंटे से ज़्यादा का ये सफ़र होने वाला है। यहाँ पर तो मौसम थोड़ा सा गर्म है, अंदर डिब्बे में ठंड होगी या गर्मी, कंफर्टेबल होगा या नहीं, कोविड के दौरान क्या हाल है, टॉयलेट्स कैसी हैं, खाने पीने का हिसाब किताब कैसा है, महंगा है सस्ता है, पानी मिलता है या नहीं, ये सारी की सारी बातें इस वीडियो में। मैं जा रहा हूँ आज दो खास लोगों से मिलने के लिए। अली भाई हैं लाहौर से, पाकिस्तान से, और जनाब जो पीछे बैठे हैं आप कहाँ से हैं? वसीम मुंबई से। ओ लकाम, यहाँ कहिए सी लकाम। मुझे पता नहीं था ये तो मुंबई का वड़ा पाव। मेरा ये ह्यूस्टन का सफ़र अब ख़त्म हो रहा है और अपनी जो होस्ट हैं उनके घर से मैं अब निकल चुका हूँ। मुझे छोड़ने के लिए जा रही हैं मेट्रो स्टेशन तक। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। You're welcome. Thank you for visiting. Thanks a lot. And you are always welcome to India. We are connected through Couchsurfing, WhatsApp. Someday I will come. Please come. Please come. Please and tell your family thank you for sharing you. And it was your son's birthday yesterday, so best wishes to your family, to thank your son. Thank you. थैंक यू शॉनी, मेरी होस्ट का नाम है। और मेरे कुछ बहुत ही अच्छे होस्ट में से एक ये वाली होस्ट थी ह्यूस्टन में मेरी होस्ट। रुकना था दो रात, शायद चार रात रुका और अब निकल रहा हूँ ह्यूस्टन को। बाय, अच्छे लोगों को बाय। अब जाना है, पहुँचना है आगे, और उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया उस तरफ है मेट्रो स्टेशन। मेट्रो मतलब यहाँ की आप समझो ट्रैम्स, जैसे कलकत्ता वाली ट्रैम्स हैं वैसा कुछ है यहाँ का हिसाब किताब। उधर सामने जाना है एमट्रैक का ट्रेन स्टेशन, ह्यूस्टन का रेलवे स्टेशन। इस बार ये जो ट्रिप है ना मेरा, इसमें एक चेंज है। मेरे पीछे बैकपैक नहीं है बड़े वाला, ट्रॉली लेके चल रहा हूँ। ये वाली ट्रॉली है और उस पर अपना लगा लिया लैपटॉप बैग। बैकपैक लेके और ये लैपटॉप वाला बैग लेके कई बार थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती थी काफ़ी दूर तक चलने में। मैंने सोचा क्यों ना इस बार कुछ चेंज करके देखूं। फिर अभी मैं करीब आधा किलोमीटर मेरे को जाना है, आधा किलोमीटर से भी ज़्यादा, तो उस बैकपैक के कंपैरिजन में इसको ऐसे सरफेस पे, सड़क वगैरह है, फुटपाथ है, इसको ढोना थोड़ा सा आसान है। अरे कौन सी स्ट्रीट है ये, रेस्टोरेंट स्ट्रीट कौन सी है भाई साहब? हाँ यही है, ठीक है। और ये है सामने एमट्रैक रेल पैसेंजर स्टेशन ह्यूस्टन का। यहाँ पर दो हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है, एक को तो ग्रेहाउंड बोलते हैं, दूसरे वाले को बोलते हैं ह्यूस्टन एमट्रैक। ये रहा पीछे वो वाला स्टेशन। अपने देश में तो एक रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा लैंडमार्क होता है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास, इस रेलवे स्टेशन के पास रेलवे रोड वगैरह वगैरह। यहाँ रेलवेज़ की कोई अहमियत बहुत ज़्यादा नहीं है, लोग ट्रैवल नहीं करते हैं ट्रेन से। बहुत सारे लोगों से मिला, लोगों ने यही कहा कि हम ट्रेन में नहीं, हम तो फ्लाइट वगैरह में, या फिर अगर आसपास जाना होता तो कार से निकल जाते हैं। इसीलिए मैंने बड़ी हैरानी हुई, इस स्टेशन के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है 902 वाशिंगटन। मतलब यहाँ लोगों को स्टेशन तक पहुँचने के लिए एक एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। इसका नाम है 902 वाशिंगटन। और स्टेशन भी कोई ये नहीं कि दिन भर खुला रहता हो, लिखा हुआ है इसके वर्किंग आवर्स क्या हैं।
यानी ह्यूस्टन इस देश का तीसरा या चौथा, शिकागो अगर चौथा है तो ये तीसरा, शिकागो अगर तीसरा है तो ये चौथा, तीसरा बड़ा शहर है। वहाँ पर इस वक्त 3:15 बज रहे हैं और 7 बजे ये ट्रेन रवाना होगी, यानी करीब इस 4 घंटे में एक भी ट्रेन नहीं है। Amtrak is requiring that customers wear facial coverings while in stations and board trains and buses. To learn more about what we are doing to ensure a safe environment, please visit Amtrak.com. For instructions on how to create your own facial covering, please visit. एक बड़ी खास बात है यहाँ अमेरिका और कनाडा में, यहाँ के ट्रेन स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पर ये जो सीट्स होती हैं, बेंचेस, ये लकड़ी के होते हैं। बहुत सारी जगहों पर मैंने ऐसे देखा। कौन सी फिल्म थी वो, शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा, कभी अलविदा ना कहना, वो भी जनाब ऐसे कहीं जाके बैठ जाते हैं, पता नहीं कौन सा स्टेशन था। खैर कई जगहों पर इस तरह के स्टेशन फिल्मों में आए हैं। खैर स्टेशन बड़ा छोटा सा है, उधर वो सिर्फ एक मोहतरमा बैठी हुई हैं जो यहाँ की शदे ऑफिशियल हैं, वहाँ पीने का पानी, इधर टॉयलेट बनी पड़ी है, एक टीवी चल रहा है, पैसेंजर के नाम पे मैं अकेला हूँ फिलहाल यहाँ पर। सीरियसली हैरानी हो रही है, ये ज़रा सा हॉल है, वेटिंग हॉल, ये 2-4 बेंचेस पड़े हैं, और जब मैं यहाँ ट्रैक्स की तरफ आया मुझे समझ में नहीं आ रहा, हमारे इंडिया के जो बहुत ही छोटे से छोटे रेलवे स्टेशन हैं वहाँ पर भी शायद 2 ट्रैक्स तो होते ही, यहाँ पर सिर्फ एक है, सिर्फ एक लाइन है उस तरफ, वो वहाँ वाली वो मेन लाइन है। और यहाँ पर हमारे देश के जो बड़े स्टेशन होते हैं आमतौर पर वो ऊँचे होते हैं, प्लेटफॉर्म्स उस लेवल पे होते हैं जहाँ, जिस लेवल पे हम जो डिब्बा होता है, यहाँ पर बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे ही है सारा। इससे ये साबित होता है कि ये देश कितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्रेंडली है सच में, या तो कार लो अपनी, या फिर कार रेंट पर लो, या फिर कार लो, और कोई ऑप्शन नहीं है अगर आपको ज़मीन से जाना है तो। बसों का हिसाब किताब भी ऐसे, सरकारी बसें नहीं चलती जैसे हमारे यहाँ पर होती ना, रोडवेज, हरियाणा रोडवेज, यूपी रोडवेज, महाराष्ट्र में वो जो क्या ST बस बोलते हैं, वो सारा चक्कर यहाँ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक दो कंपनीज हैं, ग्रेहाउंड, बिग बस, अभी फ्लिक्स बस भी आ गई है जो यूरोप में होती थी, वो यहाँ पर आ गई है, उसकी टिकट थोड़ी सस्ती मिल जाती है पर हर जगह नहीं चलती है वो। या फिर जाओ हवाई जहाज़ में, बोलते हैं कि इन कंपेरिजन टू ट्रेन्स और बसेस फ्लाइट सस्ती हैं। ये जो मेरी ट्रेन टिकट आई है $108 की है ये, और यहाँ पर किराया बिल्कुल फ्लाइट्स की तरह ऊपर नीचे होता रहता है। खैर मेरे को तो ट्रेन से यात्रा करनी थी, एक बार ट्रेन से सफ़र करके देखना था कैसा है इस देश में, अमेरिकन ट्रेन्स कैसी हैं, इसलिए मैं इससे जा रहा हूँ। लेकिन किराया देखो आप, ₹8,000 है 24 घंटे का सफ़र, और बैठ के जा रहा हूँ, जैसे हमारी चेयर कार्स होती हैं ना, ऐसे जा रहा हूँ मैं बैठ कर। भले ही थोड़ी कंफर्टेबल होंगी शायद हमारी चेयर कार से, हमारी जो शायद एग्जीक्यूटिव क्लास होती हैं चेयर कार शताब्दी में होती हैं, कुछ कुछ वैसी होने वाली है, देखते हैं बाकी सड़के मैं देखूंगा। लेकिन एक आपको टिप देता हूँ, ये मैंने तरीका आजमाया था, एमट्रैक का जो कस्टमर सर्विसेज का एक फ़ोन नंबर है, उसको मैंने कॉल किया, मैंने कहा मेरे को यहाँ से वहाँ जाना है, तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने टिकट बुक कर दी, पेमेंट कर दो, मैंने कहा पेमेंट अभी नहीं कर रहा हूँ, तो आप मेरी रिजर्वेशन आप होल्ड पर रख लो। तो उन्होंने मुझे एक जैसे PNR होता है फ्लाइट्स में, ऐसे ही PNR या पता नहीं कि रिजर्वेशन नंबर था, PNR नहीं बोलते, रिजर्वेशन या बुकिंग नंबर था, वो जनरेट कर दिया उन्होंने, कहा मगर ये एक या दो दिन या जो भी एक पर्टिकुलर डेट थी उस तक आपको इसका किराया दे देना है। जब मैं पेमेंट करने के लिए जा रहा था मैंने सोचा एक बार ज़रा देख लेता हूँ क्या किराया चल रहा है, तो जो $108 का किराया मैंने जो होल्ड पर रखा था वो कुछ घंटों के बाद में $135 हो गया था, $135। मैंने फटाफट कॉल किया, मैंने उनको बोला मेरे को ये मेरा रिजर्वेशन नंबर है, मैं इसकी पेमेंट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, कार डिटेल्स दिए। अब यहाँ पर कार डिटेल्स देने को लेकर भी थोड़ा सा मेरे को अटपटा लगा, क्योंकि मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ पर ऐसा नहीं होता है आमतौर पर, कार डिटेल्स पूछी नहीं जाती हैं। मेरे पास और कोई चारा नहीं था क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट हो नहीं रही थी इनके वेबसाइट पर, एमट्रैक की वेबसाइट पर, एमट्रैक की ऐप भी है उस पर भी नहीं हो रही थी पेमेंट। खैर होने के बाद में आपके ऐप में आपको एक ई टिकट दिख जाएगी, ई टिकट जैसा आ जाएगा, तो उसको दिखाकर आपको मतलब फिज़िकल पेपर टिकट वगैरह दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वही टिकट दिखाओ छोड़ जाओ ट्रेन। अब एक ज़रूरी सूचना, खान पान सामग्री एमट्रैक में थोड़ी महंगी होती है, मिल तो जाएगी, डाइनिंग कार है, रेस्टोरेंट है पूरा का पूरा चलता फिरता, उसमें आप बैठ के खाना खा सकते हैं, लेकिन महंगा होता है। अपने साथ में अगर सुपरमार्केट वगैरह से कुछ खाने का सामान, खाने का सामान अगर
लेके आ सकते हैं तो सस्ता पड़ेगा। मैंने क्या लिया बता देता हूँ, ये पापड़ जैसा कुछ है, मैक्सिकन चीज़ है, इसका नाम है, ये मैंने लिया था 99 सेंट्स वाली एक मार्केट थी, फैमिली डॉलर, डॉलर वन, वन डॉलर, डॉलर जनरल, इस तरह के जो स्टोर्स होते हैं ना, एक एक डॉलर के आसपास सामान मिलता है। तो ये हैं इतना सारा, ये करीब $1 का, ₹70 का पड़ा, मुझे लग रहा है ये ठीक है। उसके अलावा मेरे पास कुछ और खाने पीने की चीज़ें हैं, इसका स्वाद थोड़ा थोड़ा सा नमकीन सा है, मेरे पास टमेटो केचप रखी हुई है, मेरे पास में कुछ मीठा भी रखा हुआ है, तो मैं आराम से 24 घंटे इन चीज़ों पर आराम से गुजार सकता हूँ, मन करेगा तो जाके डाइनिंग हॉल में रेस्टोरेंट में जाके खा लूँगा। तो फिलहाल इतना ही, जैसे ही कुछ और दिखेगा, दिमाग में आएगा, तुरंत सूचना दी जाएगी। फाइनली 7:02 पर ट्रेन आ गई, 6:15 पे पहुंचना था, 7 बजे आ रही है। अभी तक दरवाजे खुले नहीं हैं, एक कोई ना कोई ट्रेन से उतरेगा, वो इस दरवाजे पे आएगा और वो हमारे टिकट्स को चेक करेगा और फिर हमको प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए मिलेगा। हाय, हाउ आर यू? ओके, थैंक यू। लास्ट कार ऑफ द ट्रेन में पहुंचना है, ठीक है। ये है जी मेरी ट्रेन। ये जो था डब्बा, ये एक्चुअली आपका जो सामान है ना, बड़ा वाला सामान, तो मैं चाहता तो ये वाली जो ट्रॉली है इसको मैं दे सकता था उसमें, लेकिन मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे तो आप दे दीजिए, फाइनल डेस्टिनेशन पे आपको मिलेगा, या आपने साथ लेके जा सकते हैं इसको, मैं लेके जा रहा हूँ, ऐसे फ्लाइट में नहीं जमा कर लेते वो नीचे। बाहर खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कहीं भी जाके बैठ जाओ, ऊपर जाके जहाँ मर्जी बैठना है बैठ जाओ। ओह, सीढ़ियाँ बड़ी खास हैं। वाह, ठीक है, वाकई बहुत अच्छी ट्रेन है, मज़ा आ गया यार, बेहतरीन। पहला इम्प्रेशन बहुत अच्छा है इस ट्रेन का यार, गज़ब का लेग रूम है। अभी मैंने जो इस ट्रेन के कंडक्टर हैं उनसे मैंने पूछा कि बेहतर सीट कौन सी होगी, लेफ़्ट साइड में बैठूं या राइट साइड में, तो उन्होंने कहा ट्रेन की डायरेक्शन में लेफ़्ट साइड में बैठ जाओ। ट्रेन चल भी गई, पता नहीं चला, गजब। तो मैंने सामान एक्चुअली रख दिया था वहाँ पर अब मैं बैठ रहा हूँ इस तरह। ट्रेन चल चुकी है यार, ये था जहाँ मैं बैठा हुआ था, वेटिंग हॉल।